नवरात्रि के इन दिनों पूरे देश में धूम है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालु मंदिरों में मां दुर्गा की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी संख्या जरूर कम है, लेकिन भक्ति और जोश में कोई कमी नजर नहीं आ रही। आज नवरात्र का तीसरा दिन है जो मां चंद्रघंटा को समर्पित है। मां चंद्रघंटा ने असुरों के राजा महिषासुर का संहार किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और असुरों के संहार के लिए उन्होंने अवतार लिया था। मां दुर्गा के स्वरूप का विशेष महत्व है। मां चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। उनकी सवारी शेर है और माथे पर घंटे का आकार है, इसी से उनका नाम मां चंद्रघंटा पड़ा। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु नवरात्रि पर मां चंद्रघंटा की पूजा विधि विधान से करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। मां के स्वरूप की पूजा से साहस बढ़ता है, हर तरह के डर से मुक्ति मिलती है। तो नवरात्र का आज तीसरा दिन है और इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ हमें देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए तमाम गाइडलाइन का पालन मंदिर प्रबंधन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आस्था यहां पर कोरोना पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना का डर भक्तों को घरों में कैद नहीं कर पा रहा है। मंदिरों की तरफ भक्त बढ़े चले जा रहे हैं। नवरात्र के इस पावन अवसर पर माता के दरबार में माथा टेकने के लिए मंदिर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए, अलग अलग जगहों से माता के दरबार में क्या कुछ माहौल है, कैसा उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है, हम जानेंगे। बिलासपुर से हमारे साथ उमेश मौर्य जुड़ रहे हैं, वहीं देवास से अमिताभ शुक्ला और ग्वालियर से प्रहलाद सेन। सबसे पहले बिलासपुर का रुख करूंगा। उमेश, किस मंदिर में आप मौजूद हैं और क्या कुछ मान्यता है उस मंदिर की और क्या माहौल आप देख रहे हैं वहाँ पर अभी? देखिए, मैं शहर के सबसे पुराने मंदिर जरहाभाटा स्थित मंदिर दुर्गा मंदिर के पास मौजूद हूँ और ये मंदिर पिछले 42 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर जो लोगों की आस्था है, जो श्रद्धालु है, वो यहाँ पर माँ भगवती की दर्शन करने पहुँचते हैं। चूँकि आज चंद्रघंटा माता की पूजा अर्चना की जानी है, 9 दिन शारदीय नवरात्रि का है और इस तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि मंदिरों में जो पहले जो भीड़ देखी जाती थी, जो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती थी, वो दिखाई नहीं दे रही। कोरोना की वजह से यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की गई है समिति प्रबंधन के द्वारा। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। मंदिर के अंदर किसी भी भगवान की मूर्ति वस्तुओं को छूने के लिए मना किया गया है। साथ ही यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो बाकायदा मास्क और सैनिटाइज का उपयोग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं कि आज का दिन क्या क्यों विशेष है, आज किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी और क्या कुछ व्यवस्था की गई है मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए। विशेष व्यवस्था है कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और मास्क लगा करके ही अंदर आ रहे हैं। एक तो बहुत ही सीमित व्यक्ति लोग आ रहे हैं अंदर में, प्रवेश जो सबको दिया गया है और सुबह 6 बजे से 12 बजे तक का समय रखा गया है। दोपहर में 12 से 5 मंदिर जो है बंद रहेगा, बाहर से दर्शन कर सकते हैं, अंदर माता जी का दरबार खुला रहेगा और 6-5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक का। आज माता जी का तीसरा दिन है। माता जी के 9 रूप का पूजा अलग अलग रूपों में किया गया। सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया और पंडित जी और पाठ कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का, और प्रसाद जो है नारियल फल चढ़ रहा है और किसी प्रकार का खीर पूड़ी हलवा इत्यादि गीला जो प्रसाद है उसको चढ़ा नहीं रहे हैं हम लोग, क्योंकि किसी प्रकार को किसी कोई परेशानी न हो और सबको एक दूसरे को दूरी बना करके रखे हुए हैं। 6 फीट की दूरी बनाया गया है कि दूर से आकर के पूजा अर्चना करी और जितना जल्दी हो सके आप अपने अपने घर पे अपने निवास पे जाइए, ऐसा करके रखा गया है। सुन सकते हैं कि कोरोना की वजह से जो व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए वो अपर्याप्त है। श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। हमारे साथ श्रद्धालु भी है जी। किस तरह की से आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं माता से, क्या मनोकामना कर रहे हैं? माँ से हम तो पूरा मनोकामना ही कर रहे हैं। नवरात्रि चल रही है, मैं भी फास्ट रखा हूँ पूरे 9 दिन का, तो दूर से ही दर्शन करते हैं, सोशल डिस्टेंस में ही रहते हैं, पालन करते हैं पूरे।
पहले मंदिरों में भीड़ उमड़ती थी, श्रद्धालु पहुंचते थे, अभी ऐसा नहीं है, तो आप लोगों को कैसा मतलब घर में भी पूजा अर्चना? हाँ, घर में भी पूजा अर्चना करके आते हैं, छोटा सा मूर्ति रखे हैं, है ना, तो रूम में ही पूजा पाठ करके आते हैं। सोशल डिस्टेंस मंदिर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस में ही रहते हैं और दूर से दर्शन करके चले जाते हैं। सोशल डिस्टेंस कोरोना वायरस के चक्कर में पूरा सब बंद है। कोरोना की वजह से जो यहाँ पर मंदिरों में जो भीड़ उमड़ती थी वो भीड़ नहीं उमड़ रही है सुमित, यही वजह है कि जो श्रद्धालु है वो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करके अपने माता के दर्शन करने पहुँच रहे हैं और घर में इस बार सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यही वजह है कि मंदिर में जो भीड़ दिखाई देते थे वो भीड़ नहीं दिखाई दे रही, हालांकि जो श्रद्धालु हैं अब भी मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान भगवती से मनोकामना कर रहे हैं कि कोरोना काल जैसी ये जो संक्रमण पूरे देश में फैला हुआ है इसे जल्द निजात मिले। ठीक है, ग्वालियर के रुख करेंगे, प्रहलाद वहां पर मौजूद हैं। प्रहलाद, चंबल अंचल में भी माता के प्रति भक्तों की अलग ही आस्था हमें देखने को मिलती है, किस मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ मान्यताएं हैं मंदिर की और क्या माहौल आप देख रहे हैं नवरात्र के तीसरे दिन आप वहां पर? देखिए सुमित, ये ग्वालियर का सबसे प्राचीन मंदिर है, ये सिंधिया राजवंश की कुलदेवी है, इन्हें माडरे वाली माता के नाम से पहचाना जाता है। लगभग 180 वर्ष ये पुराना मंदिर है। आप देख सकते हैं नवरात्रि में यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु माँ की आराधना करने पहुँचते हैं। आज तीसरा दिन है, देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ये जो देवी हैं इनका अगर मूर्ति की बात की जाए तो काफ़ी प्राचीन है और कुछ स्वरूप इनका काली से मिलता जुलता है। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या आस्था है यहाँ की और सिंधिया राजवंश से क्या कुछ नाता है। काफ़ी पुराना मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है ये? करीब 180 वर्ष पुराना है और जियाजी राव महाराज के द्वारा ये मंदिर की स्थापना की, आनंद राव मांडरे कर्नल जयविलास पैलेस में थे उनके द्वारा स्थापना जयाजी राव ने करवाई। इस मंदिर को करीब 1000 रुपये माफी महीने की मिलती है, उसके बाद इसमें कुछ जमीन भी मंदिर के लिए लगी हुई है जो मंदिर के समीप है। पुजारी जी, नवरात्रि में क्या कुछ महत्व रहता है, सिंधिया जी भी आते हैं यहाँ पर दर्शन? जी, जयाजी राव सिंधिया के बाद आज भी ज्योतिषा राजे सिंधिया का परिवार पूरा यहाँ आता है और नवमी के दिन आता है। दशहरे को नीचे दशहरे का मैदान है, वहाँ छेकुर पूजा होती है, वहाँ राजवंश के लोग आते हैं और दशहरा मनाया जाता है। बिल्कुल, कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से माँ की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की जा रही है, लेकिन चूंकि कोरोना काल है इसलिए लोग तमाम जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए पहुँच रहे हैं। सामने मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें दिखाएँ कि किस तरीके से उन्होंने एहतियात बरती हुई है। वो अपने पेरेंट्स के साथ भी आ रहे हैं तो तमाम एहतियात बरती हुई है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ श्रद्धालुओं से, कोरोना गाइडलाइन का किस तरीके से पालन कर रहे हैं, नवरात्रि का त्यौहार है और क्या कुछ मांगा माँ से? माँ तो अपने आप दे रही है, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा के रख रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग चल रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है मांडवी माता पे, बाकी शीतला पे थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्या है वहाँ का गाँव का व्यक्ति भी आ रहा है ना और समझ नहीं पा रहे हैं लोग। अच्छा, ये बताइए कि माँ कितने प्राचीन मंदिर है और कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो बचपन से आ रहा हूँ और ग्वालियर में तो बहुत मंदिर है, 9 माताएं बैठती हैं अपने, है ना, और बहुत अच्छी बात है। तो सोशल डिस्टेंस चल रहा है बिल्कुल, है ना, जरूरी भी है वो भी। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना काल है उसका भक्त भी ख्याल रख रहे हैं, हालांकि पिछली बार की तुलना में थोड़ी सी श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कम है, लेकिन फिर भी तमाम एहतियातों के साथ देवी की आराधना लोग कर रहे हैं। माँ शक्ति से यही मांग रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी को माँ निजात दिलाए, क्योंकि अगर हम देखें कि माँ दुर्गा की पूजा करने से तमाम जो ऐसे रोग होते हैं जो असाध्य रोग होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है और कोरोना भी असाध्य रोग बना हुआ है और इससे मुक्ति की भी कामना श्रद्धालु कर रहे हैं। सुमित। बिल्कुल प्रहलाद, आप बने रही हमारे साथ, देवास का रुख करेंगे जहां पर अमिताभ शुक्ला मौजूद हैं। अमिताभ, मालवा अंचल में माँ तुलजा और चामुंडा अपनी कृपा बनाए हुए हैं, तीसरे दिन क्या माहौल देख रहे हैं आप वहां पर मंदिरों में?
बिल्कुल सुमित जी, मैं बताना चाहूंगा माता तुलजा और चामुंडा का ये रक्त पीठ है और हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज सुबह यहाँ पर महाआरती की गई माता जी की, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े, और अगर तीन दिनों की बात की जाए तो हजारों की तादाद में माता तुलजा और चामुंडा के दरबार में भक्त आ चुके हैं और इस वक्त भी जो है भक्तों के आने का सिलसिला अनवरत जारी है। सुमित जी, मैं एक बात और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 9 दिनों तक 24 घंटे माता का दरबार भक्तों के लिए खुला रहता है। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते ये सोचा गया था प्रशासन द्वारा कि इस बार सुबह एक तय समय में दर्शन करवाए जाएंगे, सुबह 6 बजे से रात्रि 10 तक, लेकिन जनप्रतिनिधियों के कहने पर और आम जनता के कहने पर दर्शनों को 24 घंटे के लिए शुरू किया गया है। तो कहीं ना कहीं 24 घंटे तक जो है माता के दर्शन शुरू हैं, और आसपास के क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, शाजापुर समेत देश भर और प्रदेश भर से श्रद्धालु माता तुलजा और चामुंडा के दरबार में लगातार पहुंच रहे हैं। माता तुलजा और चामुंडा का ये रक्तपीठ माना जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि माता अपने भक्तों की मुराद जरूर पूरी करती है। श्रद्धालु किस तरह से आ रहे हैं, सिंह द्वार पर हम इस वक्त मौजूद हैं और हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से श्रद्धालुओं का लगातार यहां पर आना जरूरी है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर माता टेकरी पर? क्या लगता है माता जी मनोकामना पूरी करती? कोरोना का समय चल रहा है, आप क्या प्रार्थना करेंगे माता जी? जल्दी जल्दी कोरोना ऐसे जाए और मंगल कामना की अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल, तो देखिए श्रद्धालु कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना का समापन भी जो है माता जी करें और पूरे विश्व के मंगल की कामना भी कर रहे हैं। वो लगातार जो है श्रद्धालुओं का जाने का जो सिलसिला है माता के दरबार में वो जारी है और माता की महाआरती आज यहाँ पर संपन्न की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। और अगर बात की जाए तो माता का यह दरबार 24 घंटे खुला रह रहा है और 9 दिनों तक विशेष पूजा, आराधना, हवन, महाआरती का दौर भी यहाँ पर जारी है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो माता तुलजा और चामुंडा के साथ जो अन्य देवी देवताओं के जो मंदिर है, भैरु महाराज का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और अन्य जो यहाँ पर मंदिर है उनके प्रति भी श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिल रही है। और देवास शहर में भी इस वक्त अगर बात की जाए तो नवरात्र उत्सव का माहौल है और 100 से अधिक पंडालों में भी माता दुर्गा की स्थापना की गई है। सुमित जी, बिल्कुल, तो काफी उत्साह के साथ नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है। भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। राजधानी भोपाल का रुख करेंगे, आकर्ष शर्मा वहां पर मौजूद हैं। आकर्ष, किस मंदिर में आप मौजूद हैं और क्या माहौल आप देख रहे हैं वहां पर अभी? कॉलोनी स्थित एक मंदिर में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी कुछ ही देर पहले पूजा अर्चना हुई है और पुजारी जी भी हैं और कुछ भक्त भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन राजधानी भोपाल में तमाम मंदिरों में जो है कोरोना गाइडलाइन के चलते मंदिरों में उतनी भीड़ नहीं लग रही जितनी अमूमन हर साल लगती थी। इस साल थोड़ी कम देखने को मिल रही। तमाम जो लोग पहुँच रहे हैं वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहुँच रहे हैं और अभी हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आज तीसरा दिन है नवरात्र का और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, आखिर किस तरीके से पूजा जो श्रद्धालुओं करनी चाहिए जैसे उनके ऊपर माँ की कृपा हो? सभी भक्त को जय माता दी। माता चंद्रघंटा की पूजन होती है जो माता चंद्रघंटा सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आज पूजा अर्चना किस तरीके की करनी चाहिए भक्तों को जिससे उन पर कृपा बरसे? सभी भक्तों को माता की पूजा के लिए मैया जी को प्रसाद चुन्नी माला चढ़ाना चाहिए, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप देख सकते हैं सुमित, पुजारी जी ने बताया भक्त भी यहां पर हैं लेकिन तमाम जो लोग हैं वो कोरोना काल का गाइडलाइन का पालन करते हुए आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, लेकिन जो पूजा अर्चना है वो हो चुकी है और यही कारण है कि यहाँ पर अब मंदिरों में भीड़ जो है कम हो गई है, लेकिन उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ है। कोरोना काल में भी लोग घरों से निकल रहे हैं, पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं, लेकिन तमाम लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड का नियम का पालन करते हुए आ रहे हैं। सुमित, तो बिल्कुल हम देख रहे हैं सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश आपका बहुत शुक्रिया, अमिताभ आपका बहुत शुक्रिया, प्रसाद आपका बहुत शुक्रिया, आकर्ष भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नवरात्र का तीसरा दिन है, चंद्रघंटा माँ चंद्रघंटा की पूजा हो रही है और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोरोना काल चल रहा है लेकिन कोरोना के डर पर आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। माँ चंद्रघंटा की आज पूजा हो रही है, तीसरे दिन काफ़ी उत्साह भक्तों में हमें देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, अपनी मनोकामना लेकर भक्त माता के दरबार में पहुंच रहे हैं।